World's top businessmen are coming to India. But guess where they're coming? Not New Delhi, not Mumbai, not any of your big metro cities. They're coming to a town called Jamnagar in western India. Why? For a trailer to what is being called the wedding of the decade. ये तरीन शादी की तकरीबात भारत में जारी हैं। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी की तकरीबात में दुनिया भर से अहम शख्सियात शामिल हो रही हैं। टॉप बिजनेस पर्सनैलिटीज की अगर बात करें इस टाइम इंडिया में मौजूद है मार्क जुकरबर्ग इंडिया में मौजूद है, बिल गेट्स इंडिया में मौजूद है, रेहाना एक बहुत बड़ी सिंगर है वो इंडिया में मौजूद है, इसके अलावा ट्रंप की बेटी इंडिया में मौजूद है। और वजह क्या है कि उनके एक बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी जिनके बेटे की सबसे छोटे बेटे की शादी है। मुकेश अंबानी की जो नेटवर्थ है वो $111 बिलियन है एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है। इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया। तो जो एक इंडिया की एक वेडिंग है, एक वेडिंग सेलिब्रेशन अंबानी की है, वो पाकिस्तान का कर्जा जो है वो पूरा कर सकती है। कर्जे से मुराद ये कि जो पाकिस्तान दर दर की कशकोल लेकर भीख मांगी जा रही है, तो वो पैसे इतने हैं कि उससे बहुत सारे काम हो जाएंगे पाकिस्तान में। ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। हमारे अमीर लोग देखें कि अपनी शादियों में गरीबों को पास से भी भटकने नहीं देते और उन्होंने 50,000 गरीबों को अच्छा खाना खिलाया। और ये सिर्फ और सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं आए, सिंबॉलिकली तो शादी ही अटेंड करने आए हैं, मगर ये बता रही है कि इंडिया कितना आगे जा चुका हुआ है। ये उनकी एक शादी पूरे पाकिस्तान पे भारी। हमारे मुल्क के में वजीर आजम के कहने पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आता और उनके मुल्क में जो है अंबानी की शादी पर जो है कैनेडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आ गए, ट्रंप और उसके जो है बीवी और बेटी मौजूद है, इसके साथ साथ कुवैत के जो है प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, दुनिया भर की सियासी पार्टियां वहां मौजूद हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज मौजूद है। सर वो एक बंदा पूरे पाकिस्तान पे बजट नहीं है, कौमी बजट नहीं है हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। उसके बाद अगर बात की जाए रेहाना की बात तो बाद में आती है। आप PSL का देखें, आप PSL से प्लेयर PSL छोड़ के उधर शादी अटेंड करने जा रहे हैं। कैरन पोलार्ड की बात करें वो। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेवला न्यूज में। दोस्तों मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी और राधिका मार्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी इस वक्त सारी दुनिया में चर्चा में है। ये सेरेमनी गुजरात के जामनगर में हो रही है। इसके लिए सारी दुनिया से बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, कतर के अमीर, डोनाल्ड ट्रंप के बेटी, बिल ग्रेट्स, मार्क जुकरबर्ग और भी बहुत सारे जो हम आपको बता नहीं सकते पहुंचे हुए है गुजरात के जामनगर में। इस इवेंट में अंबानी परिवार ने हैरान कर देने वाली रकम खर्च कर रहा है। कहा जा रहा है अंबानी परिवार इस प्री वेडिंग सेरेमनी में 1500 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च कर रहा है। अब पाकिस्तान मीडिया मुकेश अंबानी के बेटे आनंद अंबानी की प्री वेडिंग पर खर्च होने वाली रकम को देख सदमे में है और इस प्री वेडिंग में आए मेहमानों को देख के पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई है। पाकिस्तान ने चर्चा कर रहा है प्री वेडिंग में अगर 1500 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहा है अंबानी परिवार तो वेडिंग में कितना खर्चा करेगा। इस प्री वेडिंग में जितना खर्च हो रहा है उसके आधी से कम रकम पाने के लिए IMF के पैर पकड़ता है पाकिस्तान। आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की रिएक्शन। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये वेडिंग दुनिया की महंगी तरीन शादियों में से एक है। अगर इसके गेस्ट की बात करें दोस्तों तो लिस्ट मेरे पास मौजूद है। कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जैसिम अल थानी, भूटान की क्वीन जेटसिन, मेटा CEO FCO के जो है मार्क जुकरबर्ग, अडोब के CEO शन तानु और इसके साथ साथ सऊदी अरेमको के चेयरपर्सन यासर अल रुमायन और इसके साथ साथ अगर हम बात करें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की तो कैनेडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यहां पर जी मौजूद है। इसके साथ साथ बॉलीवुड की तमाम पर्सनैलिटीज़ और बताते चलें कि रिहाना जो कि आपको पता है हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी सिंगर है उनको भी बुलाया गया है। शादी की बजट की बात करें तो 1000 करोड़ से 1500 करोड़ के बीच जो है इसका बजट है। कुछ वीडियोज़ में मैंने ये सुना है कि $50,000 करोड़ की ये शादी है। अगर अंबानी की नेटवर्थ की बात करें तो 114 बिलियन डॉलर की जी इनकी नेटवर्थ है। रिलायंस का उसका बजट क्या है? ठीक, तो बजट के ऊपर क्या डिस्कस करनी है कि अब उनकी शादी के बजट इतने होते हैं जितने हम पाकिस्तान के अपने मुल्क के बजट हैं। हाँ, सही बात। ठीक है, तो अब उस बजट के ऊपर तो जा नहीं सकते। रही बात उनके दिखावे की, तो उन्होंने वही दिखाना जो उनके पास है। ठीक है, और इंडिया में तो तकरीबन हर शोबे में हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और बजट नहीं है, कौमी बजट नहीं है हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है
उसके बाद अगर बात की जाए रिहाना की बात तो बाद में आती है। आप PSL का देखें, आप PSL से प्लेयर PSL छोड़ के उधर शादी अटेंड करने जा रहे हैं। कैरन पोलार्ड की बात करें, वो शादी अटेंड करने के लिए PSL से छुट्टी लेके चले गए हैं। अच्छा। कि मैंने वहाँ पे जाके शादी अटेंड करनी है, शादी के बाद आऊँगा। तो ये हालात हैं इधर के। क्या मतलब आप चेक करें कि एक प्लेयर PSL छोड़ के लाइक हमारे मुंह के ऊपर कितनी बड़ी चपेट है कि PSL चल रहा है और वो PSL बीच में छोड़ कर चले गए कि उन्हें मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करनी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें अब इसमें हमारा कसूर है, मैं तो यही कहूंगा सरासर हमारा कसूर है। हम क्रिकेट को वो तवज्जो नहीं देते जो देनी चाहिए। और वैसे भी इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया टैलेंट को तो तवज्जो देता ही देता है। उसके अलावा देखें उन्होंने अपना कैसा सॉफ्ट इमेज बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, के वहाँ पे कोई भी इजीली जाके घूम फिर सकता है। अभी मैं वीडियो देख रहा था, कौन गया था, बिल गेट्स की मैं वीडियो देख रहा था। वो जाके रेड़ी वाले से चाय पी रहे थे। इंडिया में आज़ाद घूम सकती है। यहाँ पर अगर बात करें, हमारे टीमों के आने से पहले 6 घंटे रोड बंद कर देती हैं, उनके बाद 6 घंटे तक रोड बंद रखती हैं। तो यहाँ पे हमारे अपने प्लेयर सेफ नहीं है, तो बाकी दूसरे क्या सेफ होंगे, आज़ाद क्या घूमेंगे। आज़ाद घूमने की बात करें, डेरन सैमी आए थे एज़ अ क्रिकेट एम्बेसडर बन के पाकिस्तान में, तो वो भी इतनी सिक्योरिटी के अंदर जाते थे, वो भी आज़ाद नहीं घूम सकते थे। इसके बरक्स बात की जाए, इंडिया में जाके देखें, आए दिन हमें देखने को मिलता है जब IPL होता है, कोई ना कोई खिलाड़ी जा रहा होता है, प्लेयर जा रहा होता है, स्ट्रीट्स में जा रहा होता है, वहाँ खेल रहा होता है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तब तक हालात भी नहीं ठीक हो सकते। आपने बिल्कुल बात की, इंडिया का जो सॉफ्ट इमेज है उसकी पावर जो है पूरी दुनिया देख रही है। इंडिया में G20 मीटिंग होती है तो बड़े से बड़ा बंदा इंडिया में जाता है G20 मीटिंग को अटेंड करने के लिए। अब आप देखें कि जैसे कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है तो वहाँ पर इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन और पावरफुल लोग जो हैं बैठे हुए हैं इस शादी को अटेंड करने के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, दुनिया के पावरफुल तरीन आदमी वहाँ पे जाके शादी भी अटेंड करते हैं, इवेंट भी अटेंड करते हैं, अपने हॉलीडेज भी मनाते हैं। वहाँ पे ICC का इवेंट हुआ, वो भी देखने गए हैं। उसके बाद देखें इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे करते हैं, वो हर तरह से ना सेम है, वहाँ पे अपने आप को सेम महसूस करते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान में बात की जाए, पाकिस्तान में पर दिया था, उसके बाद पानी में चलने वाली गाड़ी एक बंदे ने बनाई थी, वो आज तक नहीं हमें मिल पा रहा। हमने मलाला यूसुफज़ई के साथ क्या किया, तो पाकिस्तान ऐसी कंट्री नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तान जब तक स्टेबल नहीं ना होंगे, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस।